तो डब्ल्यू एस सी सी स्टार्ट तो कर दिया था कल पर एक चीज बचा हुआ वो लिख लेते हैं लिखोगे कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्न आईसीएआई के मॉड्यूल में के आर लिखा होता है के आर <coughs> कंपनी ने जो कमाया उसमें से डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट दे दिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दिया उसके बाद जो पैसा बचा वो किसका एक तीज़ी शेयर तीज़ी होल्डर।, होल्डर एक उनको भी डिविडेंड दे दिया उसके बाद जो बचा वो किसका कंपनी मतलब कंपनी का मतलब मैं समझ सब... <laughs> हाँ लॉ तो वो जितना भी प्रॉफिट कमाती है वो खुद ही रखती है कि किसी को बांटती can... वो पैसा किसका है बस सवाल इतना है रिलायंस में जो पैसा रिटर्न किया है वो शेयर होल्डर शेयर होल्डर का क्या अंबानी काल्डर तो रिलायंस तो अंबानी की कंपनी आपका <laughs> यार इतनी इंसल्ट अंबानी रिलायंस किसकी कंपनी डायरेक्ट सीरियसली मतलब डायरेक्टर जितना भी पैसा बचता है वो सब डायरेक्टर अपने घर ले जाता है नहीं बता मैं सुनने जो, जो बचा आपके इसका मतलब इसका मतलब क्या है इसका मतलब यार सिंपल सी बात है अगर मैंने आपको मैंने एक लाख रुपया कमाया मैंने आपको पचास हजार रुपया डिविडेंड दे दिया आप शेयर होल्डर कितना बचाया मैंने उस पचास पे अधिकार किसका है आप ही लोगों का है बस इतना है कि कंपनी का ग्रो करना है हम उसको इन्वेस्ट करेंगे उससे जो कमाएंगे वो भी आप ही को बांटेंगे ठीक है यहाँ तक रिटर्न अर्निंग पर किसका अधिकार होता है शेयर होल्डर का अगर मैं आपको डिविडेंड ना देकर पैसा बचा लूं तो बताओ किसका लॉस हो रहा है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है आपको डिविडेंड देना एक लाख कमाया था पचास हजार रुपया डिविडेंड दिया हाँ। बचाया कितना पचास, पचास। और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इस पचास को मैं लगाऊंगा और कमाऊंगा तो मुझे बताओ सेक्रीफाइस कौन कर रहा है पचास हजार जो अभी मिलना था अभी नहीं मिल रहा है कौन साइस कर, तो कर रहा है होल्डर ही तो सैक्रीफाइस कर रहे सीधी सी बात है रिटर्न अर्निंग मतलब किसका पैसा शेयर होल्डर्स का शेयर होल्डर्स का शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड देना चाहिए था वो डिविडेंड ना देकर हमने रिटर्न कर लिया ठीक है पहले थोड़ा लिखवा दो हाँ सर लिखवा दो तब बात समझ Written, yes. a cost, return, no. earning is a cost of. और कौन इक्विटी शेयर होल्डर ओके तो इस पर कितना कॉस्ट ऑपरिटर्निंग कुछ होता है कि नहीं होता आप समझने की कोशिश करना आराम से ये कंपनी ठीक है सर कितना कमाया एक लाख अभी आपको कितना डिविडेंड दी दिया पचास हजार अभी कितना बचा पचास हजार और ये कौन है ओह इक्विटी शेयर होल्डर अब इक्विटी शेयर होल्डर से बोल रहे हैं कि सुनो ना इक्विटी शेयर होल्डर हम आपको जो पैसे देने वाले थे वो पैसे नहीं दे रहे हैं हम सोच रहे हैं किसी प्रोजेक्ट में लगाने का और प्रोजेक्ट से हमें दस परसेंट कमाएंगे प्रोजेक्ट से हम 10 परसेंट कमाएंगे क्या आप लोग तैयार हो आपको पैसे मिल जाते किस रूप में मिल जाते डिविडेंड पचास हजार तो दे ही दिया डिविडेंड और कितना दे दे, दे, दे? पचास हजार उस पचास हजार को आप करते क्या सवाल बस इतना आपका ही तो डिविडेंड फॉरगोन हो रहा आप उस पचास हजार को क्या करते मान लो हम पचास दे भी देते तो उसका क्या करते हैं तो फिर शेयर क्यों खरीदा शुरू में बैंक में डाल देते पड़ेगा यहाँ काम की चीज आप हमारे शेयर्स खरीदते हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं ना तो आप वापस क्या करते हमारे ही तो शेयर्स खरीदते तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं अब बताओ अब ध्यान से समझ रहा जब आपने शेयर्स खरीदा था तो बदले में हम इसका कॉस्ट निकालते थे उसको कुछ बोलते थे शायद जब आपने शेयर्स खरीदा था मैंने आपको शेयर इश्यू किया तो बदले में कुछ देना पड़ता था जिसको हम के डी बोलते थे कि केपी बोलते थे कि के ही बोलते थे क्या बोलते थे केई और जब आपने शेयर खोल, खरीदा था तो आपका एक्सपेक्टेशन था कितना परसेंट बारह परसेंट सपोज बारह परसेंट अब आपको हम डिविडेंड नहीं दे रहे और हम आपको 12 परसेंट के हिसाब से अपने शेयर खरीदा तो हमने प्रॉमिस भी किया था आपको 12 परसेंट मिलेगा मिलेगा यहाँ तक ठीक है अब क्योंकि हम आपका डिविडेंड नहीं दे रहा है तो अगर आपको हम दे भी देते तो आप मेरी ही कंपनी के शेयर खरीदते और ख़रीदते तो आपका एक्सपेक्टेशन कितना रहता बारह परसेंट तो जो रिटर्न अर्निंग है उस पर भी कितना एक्सपेक्टेशन रहेगा बारह परसेंट सर सीधी सी बात बोलो क्या कहना चाहते हो इतनी सी बात बोलना चाहता हूँ कि जो कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग है अब 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 सुन यहाँ से कितना पैसा बचाया आपने पचास हजार मैं इस पचास हजार को आपको डिविडेंड के रूप में दे देता तो आप क्या करते मेरी कंपनी के शेयर खरीद कितना चाहते ट्वेल्व परसेंट क्योंकि आप लोगों को मार्केट से बारह परसेंट की कमाई हो रही है मैं कह रहा हूं मैं प्रोजेक्ट में लगा रहा हूँ और दस परसेंट कमा कर दूंगा क्या आप लोग तैयार हो जाओगे नहीं कम से कम कितना चाहिए बारह परसेंट एग्जैक्टली बस यही सुनना चाहता हूँ क्या रिटेल अर्निंग का कॉस्ट है है किसके बराबर होता है कई के बराबर बस एक ही बात बोलना चाहता क्योंकि ये लॉस किसका सेक्रीफाइस कौन कर रहा है आप लोग ही okay. कर रहे ओके सर okay, तो फिर तो बात खत्म हो गई बिल्कुल सिंपल सी बात है यहां लिख लो इन सिंपल वर्ड कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग इज इक्वल टू Cost of equity. KR is equal to K. Simple KR is equal to K. हालांकि ये एक्चुअल में कैश आउटफ्लो नहीं होता हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ले रहे हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझते हो ना अगर हम आपको डिविडेंड देते तो आप कहीं और इन्वेस्टमेंट करते और इन्वेस्टमेंट करते तो आपको कितना मिलता अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक बात बताना ध्यान से अगर आप एक्चुअल में इक्विटी खरीदते हो तो आपको कुछ ना कुछ तो देना पड़ता है उसको क्या बोलते हैं केई अगर प्रेफरेंस शेयर खरीदते हैं तो डिविडेंड देना पड़ता है उसको आप क्या बोलते हैं केपी डिबेंचर खरीदते हैं केडी एक्चुअल में मुझे देना पड़ता है पर रिटर्न का नहीं होता कौन सा कॉस्ट कॉस्ट होता है मुझे पढ़ाना नहीं है पर कल मुझसे -थोड़ तो होता। एक होता है इम्प्लीसिट कॉस्ट और एक होता एक्सप्लीसिट कॉस्ट एक्सप्लीसिट कॉस्ट मतलब एक्चुअल में देना पड़ता है उसमें तीन लोग आ जाएंगे कौन कौन के डी केपी और का कॉस्ट का मतलब एक्चुअल में कुछ नहीं देना होता उसमें क्या जाएगा के आर ठीक है ओके यहां तक लिख लिया चलो आगे चलते हैं और मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं एग्जाम्पल के साथ मुझे आंसर दे एग्जाम्पल नंबर वन सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम्पल नंबर वन गी वन पी वन समझते हो आप रुपीस फाइव पी जीरो फिफ्टी फाइव पी जीरो का मतलब करेंट प्राइस जैसे शेयर का फेस वैल्यू है मान लो है अभी है दस और मार्केट प्राइस कितना चल रहा है फिफ्टी फाइव अगर कंपनी को शेयर इश्यू करना है तो कितने के हिसाब से करेगा फेस वैल्यू है दस मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है फिफ्टी फाइव वापस वो आईपीओ लाना चाहता है तो किस रेट से शेयर इश्यू करेगा दस रुपए के हिसाब से कि फिफ्टी फाइव के सा? क्या लगता है आपको रिलायंस कंपनी वापस और शे... और पैसों की जरूरत है तो शेयर इश्यू करना चाहती है अभी रिलायंस का मार्केट में भाव क्या चल रहा है फिफ्टी फाइव जबकि फेस वैल्यू कितना है दस तो रिलायंस जब भी इश्यू करेगा अभी शेयर्स तो कितने के हिसाब से फिफ्टी फाइव के हिसाब की दस के हिसाब से इसके आसपास रहेगा ये बता दो दस रुपए के आसपास की फिफ्टी फाइव के आसपास हाँ प्रीमियम बोल सकते हो बस मेरा कहना है कि शेयर्स कितने रुपए में इश्यू इशू प्राइस समझ रहे हो ना इश्यू प्राइस इशू प्राइस ये रहेगा कि ये रहेगा वैल्यू टेन रहे वैल्यू रहेगा अलग होता है इश्यू प्राइस अलग होता है गुड मॉर्निंग तो... <laughs> तो ये चीजें क्यों समझा रहे है? जरूरत है मुझे 55 के हिसाब से शेयर इश्यू किए जाएंगे 55 के हिसाब से मतलब सर 45 सिक्योरिटी प्रीमियम है बोल सकते हो इट मीन्स जब भी शेयर इशू किया जाता है सस्ते में शेयर इशू नहीं कर सकते जो मार्केट में चल रहा है उसके हिसाब से नहीं तो लोग आर्बिट्रेज कर लेंगे वो तो फाइनल का है दस का खरीदेंगे पचपन का बेच देंगे फायदा हो जाएगा ठीक है तो किसके हाँ हाँ यही तो आर्बिट्रेज फाइनल में तो अब अरे बात क्या है कितने के हिसाब से इश्यू होता है फिफ्टी फाइव ओके आगे लिखो तो सर एक शेयर इश्यू करने पे मुझे मैं रिलायंस हूं मुझे कितना मिलेगा पचपन और डिविडेंड कितना देना पांच सर ग्रोथ रेट भी लिखो ना यार ग्रोथ रेट ले लेते छह परसेंट रोटेशन कॉस्ट रुपीस थ्री पर शेयर इसका मतलब बताओ कि एक शेयर इश्यू करने पर नेट कंपनी को कितना मिलेगा पचपन रुपया में शेयर इश्यू कर रहा कभी अंडर राइटिंग कमीशन सुना है तो पचपन में से तीन रुपया तो कमीशन का गया तो नेट कंपनी को कितना मिलेगा बावन तो नीचे क्या लिखोगे डी वन डिवाइडेड बाय पचपन लिखोगे कि फिफ्टी टू लिखोगे फिफ्टी टू ठीक है कैलकुलेट के और के आर के आर का मतलब कॉस्ट ऑफ रिटर्निंग और अभी इससे पहले क्या लिखवाया था इज इक्वल टू के आर कुछ कंडीशन को छोड़ के ये नहीं लिखवाया था आओ काम करे पहले प्यार से क्या निकालूंगा मैं केन कितना है पांच रुपए पांच रुपए है ना यार और नीचे क्या लिखू फिफ्टी टू हंड्रेड परसेंट फिफ्टी टू फिफ्टी टू प्लस ग्रोथ कितना है पॉइंट जीरो सिक्स आंसर फिफ्टीन पॉइंट सिक्स टू परसेंट अब क्या निकालना है होगा सेम ही होता अगर अगर सुन लो अगर है ना यार इसमें मैं बोल रहा हूं कि भाई क्या करते आप आप वापस मेरी कंपनी के शेयर खरीदते और मेरी कंपनी के शेयर खरीदते तो मैं डिविडेंड देता तो यार के इज इक्वल टू के आर तो सर वापस निकाल ले तो कितना अच्छा लगेगा हाँ पांच रुपए डिवाइडेड बाय क्यों शेयर तो इश्यू नहीं कर अब फिफ्टी अब करते तो 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 लेकिन अभी कर कहाँ है तो कंपनी आप हवा में बात मत करो सिंपल सी बात है यहाँ तो फ्लोटेशन कॉस्ट आएगा ही नहीं तो यहाँ कितना लेना पड़ेगा आपको फिफ्टी सर ये तो अच्छी चीज नहीं निकल गया हाँ मैंने कहा हमेशा के ही इज इक्वल टू के आर होता हमेशा लेकिन अगर फ्लोटेशन कॉस्ट आएगा तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको इग्नोर नीचे माइनस नहीं करना फ्लोटेशन कॉस्ट क्योंकि एक्चुअल में शेयर इश्यू नहीं हो रहा अब आंसर अलग आ जाएगा फिफ्टीन पॉइंट नाइन परसेंट एक नोट भी लिखी इस एग्जाम इफ टेशन कॉस्ट इज गिवन देन क्या आएगा इट इज इग्नोर्ड वाहेल कैलकुलेटिन क्या चीज के आर इन छोटी छोटी चीजों से रिजल्ट खराब होता है ठीक है ओके तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं के यार, जनरली सर जनरली क्या होता है जनरली रोटेशन कॉस्ट दिया ही नहीं होता है के इस तो के इक्वल टू होता है जनरली पर एक दो क्वेश्चन ऐसे जिसमें ये अब मैं क्वेश्चन जो स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर वन से स्टार्ट कर रहा हूँ कुछ नई नई चीज आएगी अभी मैं सीधा डब्ल्यू एस सी सी पे नहीं आ रहा हूँ पहले सारी चीजें पीछे से हम खत्म कर दें तो पहला क्वेश्चन नंबर टू है इसमें वन हो चुका है क्या चलो तो पहले वन ही वन है ना वन और टू एक जैसा है तो मैं क्वेश्चन नंबर टू करवा देता हूँ ठीक है वन में होमवर्क दे देता हूँ क्वेश्चन नंबर टू बहुत अच्छा क्वेश्चन है बड़े क्वेश्चन को एबीसी कंपनी इक्विटी शेयर इज कोटेड मार्केट में क्या भाव चल रहा है ट्वेंटी फाइव ठीक है भाई ट्वेंटी फाइव मतलब ये हो गया पी जीरो द कंपनी पेज अ डिविडेंड रुपीज टू पर शेयर पी जीरो ले सकते हो डी वन क्या लेना है डी वन के डी जीरो पक्का <laughs> और ग्रोथ दोनों से कर लेंगे ना यार दोनों से कर लेंगे पता नहीं कौन कब नंबर काट ले दो ही लाइन तो लिखनी है और ग्रोथ रेट कितना है सिक्स परसेंट सबसे पहले क्या निकालना है कई तो चलो दोनों से निकाल लेते क्या दिक्कत है अच्छा पहला क्या एज्यूम कर रहे हैं हम कि ये जो डिविडेंड दिया है डिविडेंड पी जीरो कितना ले रहा हूं मैं टू दो रुपए इसके सबसे कम कर लेते हैं हाँ. तो इक्वल टू दो रुपए। ग्रोथ कितना है वन पॉइंट जीरो सिक्स और नीचे आ जाएगा ट्वेंटी फाइव और ग्रोथ कितना है पॉइंट जीरो सिक्स आंसर बताओ 14.4 दूसरा एजम्शन भी अल्टरनेटिव करके लिख लेते हैं टेंशन का तो सर अल्टरनेटिव में आ जाएगा के इसी टू टू डिवाइडेड बाय 25 प्लस पॉइंट जीरो सिक्स फोर्टीन पर यहां तक ठीक है अब आगे चलते हैं पॉइंट नंबर नहीं बनेगा आपसे इस पर मेहनत लगने वाली बहुत ज्यादा मेहनत लगने वाली ठीक है ये अक्सर देते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल में पर करना जरूरी इफ द कंपनी इश्यू टेन परसेंट डिवेंचर इस वैल्यू कितना है सौ तो सौ रुपए का दस परसेंट क्या मिलेगा कूपन कितना मिलेगा कूपन मतलब इंटरेस्ट सौ रुपए का दस परसेंट कितना आ गया दस रुपए दस रुपए एंड रियलाइज रुपीज नाइनटी सिक्स डिबेंचर वाहिल डिबेंचर आर रिडीमेबल आफ्टर ट्वेल्व ईयर एट ए प्रीमियम ऑफ ट्वेल्व परसेंट क्या बोल रहा है सौ रुपया फेस वैल्यू है रियलाइज रुपीज नाइनटी सिक्स पर डिबेंचर ये रिडीमेबल वैल्यू हुई जुगाड़ लगाओ कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा हमको ये नेट प्रोसेट्स आना यार डरते क्यों ये तो नेट प्रोसीड्स हुआ ना पैसा आज कितना रियलाइज हो रहा है अगर आप कह रहे हो सर ये रिडीमेबल वैल्यू है तो फिर ये क्या बोल रहा 12% प्रीमियम मतलब ये 12 आज के वर्णन डिबेंचर <laughs> आर रिडीमेबल आफ्टर 12 ईयर एट ए प्रीमियम ऑफ 12% रिडीमेबल वैल्यू है ये कितना लग रहा है रिडीमे कितना एक सौ बारह तो नाइन्टी सिक्स क्या होगा नेट प्रोसेट्स सही है नेट प्रोसेट्स हमको मालूम है रिडीमेबल वैल्यू हमको मालूम है हमें इंटरेस्ट मालूम है हमें टैक्स रेट भी मालूम है और हमको क्या निकालना है के निकल सकता है क्या निकालो एक बार के डी समझा रहा हूँ पहले के डी निकल आ गया अच्छा आप लोगों को तो केड़ी निकालने में दिक्कत हो रही थी सर सिक्स पॉइंट ज़ीरो एट निकालो टाइम दे रहा हूँ ट्वेल्व पॉइंट चलेगा तो क्या दिक्कत है बन रहा ये समझ में नहीं आता ये लैंग्वेज अच्छी नहीं लिखी हुई है अगर सीधी सी बात करूं यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा बाकी समझ में आईव पॉइंट सिक्स 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 पॉइंट जीरो एट मेजोरिटी का आंसर सही है जीरो <sharp inhale> <laughs> ठीक है सबका आ गया आंसर सिक्स पॉइंट जीरो नाइन सबका गलत है हाँ, सुन लो, सुन लो। अब मैं कुछ कहा नहीं कॉपी में लिखवाना था इसलिए तो मैंने करवाया यार आ, एक शब्द आ रहा है वाई टी एम वाई टी एम का मतलब होता है येल्ड टू मैच्योरिटी और ये टॉपिक है सी एफ फाइनल वो आपको डाल दिया और सुनो मैं इसको उड़ा देता अगर आपके एफ एम के मॉड्यूल में नहीं डाला होता अब यार यील्ड क्या होता है सर का आई आर आर कुछ नहीं है हम डिबेंचर में आज कितना पैसा लगा रहे हैं 96 हम अपने एंगल से सोचो 96 लगा रहे हैं हर साल कितना मिलेगा नहीं हर साल दस रुपए दस रुपए दस रुपए दस रुपए कितने साल तक बारह साल और लास्ट में कितना मिलेगा सौ बारह उसको किस रेट से डिस्काउंटिंग करे मेरी बात समझना मेरे पास पैसा आज कितना जा रहा है ये क्या हो गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो ऐसा कहीं पढ़ा था आपने कैपिटल बजटिंग में पैसा आज जा रहा है नाइनटी सिक्स जाने दो आ कितना आ रहा है सर आ रहा है हमारे पास दस रुपया दस रुपया दस रुपया दस रुपए कितने साल तक बारह साल तक और बारहवें साल में कितना आ रहा है उसको किस रेट से डिस्काउंटिंग करे कि उसका जब मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूं तो वो 96 के बराबर आ जाए इसको बोलते हैं येल्ड टू मैच्योरिटी वाई टी एम सर सी ए फाइनल में है कि हाँ सिक्योरिटी वैल्यूशन करके टॉपिक और आई सी आई बच्चों को बेवकूफ़ बनाता फाइनल की चीज यहाँ पूछ लेता सर एग्जाम में आया हुआ कि एग्जाम में भी आया हुआ कुछ ठीक चलो करें पहला रेट कौन सा ले जैसा आप बोलो मुझे तो अब वो जो निकाला था वो जो निकाला है ना आपने वो कब लगेगा जब ये शब्द नहीं लिखा रहता अगर वाईटीएम नहीं लिखा रहता ना तो आपने सही लिखा पर वाईटीएम शब्द लिखा कि आपको वाईटीएम मेथड से करना तो आपको ऐसे करना पड़ेगा हम क्या निकालने जा रहे हैं हम निकालने जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ डेट इंपॉर्टेंट है बिट्टी कॉस्ट ऑफ डेट यही चीजें जो मुझे करवाना है ना यही चीजें नहीं पढ़ाई जाती यही चीजें कॉस्ट ऑफ डेट तो हमें निकालना है पैसा आज कितना जा रहा है नाइनटी सिक्स नाइन्टी सिक्स नाइनटी सिक्स नहीं लिख रहा है हमारे पास जो आने वाला है ना उसका हम क्या करेंगे प्रेजेंट वैल्यू तो लेट अच्छा निकाल लिया क्या अब देखते भगवान का नाम लेकर लेट एज यू डिस्काउंटिंग रेट पहला कौन सा ले डिस्काउंटिंग रेट टेन पर टेन परसेंट तो अब हम निकाल रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इन फ्लो बोलो हर साल कितना आ रहा है पांच पांच रुपए कितने साल तक आएगा बारह साल टीचर कौन दस आ रहा है पर इस पर टैक्स भी तो लग जाएगा टैक्स काट के कितना पाँच सर तो यार उधर नहीं था क्या कैपिटल क्या, कैपिटल वेस्टिंग में याद करो सी एफ निकलते समय टैक्स माइनस कर दे देते हैं टैक्स तो माइनस करना पड़ेगा देखो अगर मैं ये चीज ना पढ़ाऊं ना तो ऐसा लगेगा क्या था यार चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कुछ नहीं बहुत कुछ है भाई पाँच रुपये हर साल आएगा पाँच रुपये कितने साल तक तो यहां हम प्रेजेंट वैल्यू एनिटी फैक्टर सीधा ले ले यहां लिखवा दे रहा हूं कितना परसेंट दस परसेंट कितने साल बारह साल और लास्ट में कुछ मिलेगा एक सौ बारह एक सौ बारह रुपए का मुझको क्या लेना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दस परसेंट के हिसाब से बारवा साल तो पांच रुपए का बताओ कितना आ रहा इंटू फैक्टर्स पॉइंट एट वन थ्री प्लस एक सौ बारह इंटू पॉइंट थ्री वन नाइन गलत हो गए क्या ये सही है ना टोटल बोलो कितना कोशिश करना नाइन्टी फाइव आ जाएगा किस्मत खराब है एट जीरो ले लिया दस परसेंट तो नहीं है हमें लाना कितना है नाइनटी सिक्स अब कैपिटल वेस्टिंग ऑन और <laughs> तो समझ के बोलो क्या रेट ले इससे कम ले कि इससे ज्यादा ले ज्यादा ना है नहीं एनपी भी नहीं निकाल रहा है <laughs> सोचो ना यार सोचो अगर हम तो रेट ज्यादा लेंगे क्वेश्चन ही है क्वेश्चन ही है अगर हम रेट ज्यादा लेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगा कम होते जाएगा हमको तो बढ़ाना है इसको 96 लाना लाना तो रेट कौन सा लेना पांच लेना पड़ेगा डिस्काउंटिंग रेट पांच परसेंट पांच इंटू प्लस एक सौ बारह इंटू परसेंट का फैक्टर्स एट पॉइंट एट सिक्स थ्री पॉइंट फाइव सिक्स सेवन तो बताओ अब एक सौ छ यही तो चाहिए था मुझको एक सौ तो पांच परसेंट पे आ रहा है एक सौ छह और दस परसेंट पे आ रहा है सिक्सटी नाइन तो इन दोनों के बीच का क्या दिखाई दे रहा है आपको नाइनटी सिक्स तो वो तो आपको आता है करना सर मतलब ये कैपिटल छूटेगा नहीं देखो तो मेरी बात समझो भाई बात समझो सर आने की क्या प्रोबेबिलिटी बहुत कम पर आपकी किस्मत क्या है और एक ही बार देना ढंग से देते ना यहाँ पे पूरा ही कर लेता चलो इंटरपोलेशन करें यस सर अब देखो कैसे करना पहला पांच ले लेता हूं जब सर हमने पांच परसेंट लिया था तो हमारा आ रहा था वैल्यू सिक्सटीन नहीं कितना एक सौ छो छ हमने कितना लिया दस परसेंट तो वैल्यू कितना आ गया सिक्सटी नाइन पॉइंट एट जीरो पर हमें क्या चाहिए नाइन्टी सिक्स याद करो यहाँ हम यहाँ जीरो लिखा करते थे अब नाइन्टी सिक्स तो जैसे ही हमने रेट कितने परसेंट से बढ़ाया पाँच परसेंट से तो ये कितना डिफरेंस आ रहा है थर्टी सिक्स पॉइंट टू इतना चेंज हो गया जबकि 106 से हमको 96 तक पहुंचना है मतलब हमको कितना चाहिए 10 10 के लिए कितना तो कैसे करते थे याद है सर पांच प्लस 36 नहीं सिक्स पॉइंट टू जीरो इंटू दस आंसर बोलो सिक्स पॉइंट थ्री एट परसेंट ये है वाई मेथड से और ये क्या निकला के डी और फॉर्मूले से क्या आया था आपका केडी थोड़ा सा अगर मान लो एग्जाम में आ जाता तो बहुत सारे बच्चे छोड़ेंगे इसको हंड्रेड परसेंट हाँ थोड़ी मेहनत लगेगी पर हो जाएगा यार ऐसा नहीं ठीक है तो इसी के जैसा क्वेश्चन नंबर वन है चेक करो हाँ मैं यहाँ जीरो भी लिखता था मैं यहाँ इन दोनों लिख लिख के बीच का डिफरेंस लिखता था अब दस है तो दस लिख क्वेश्चन नंबर वन होमवर्क है और उसका आंसर दिया है क्या नहीं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ग्रुप में आंसर आएगा आज आपका ठीक देखता हूँ किसका सही है ओके सर क्वेश्चन नंबर थ्री पे पहुंचिए क्वेश्चन नंबर कितने रुपए के इश्यू हो रहा है दस लाख के ट्वेल्व परसेंट डिबेंचर सौ का एक है तो हमें तो सौ देखना है तो यहां कितना जाएगा बारह रुपए क्या चीज हो गया हमारा इंटरेस्ट डिबेंचर रिडीम्ड कितने साल बाद हो रहा है सात साल रिडीमेबल वाला फॉर्मूला अगर वाई नहीं लिखा तो नहीं लिखा रहेगा और टैक्स का रेट कितना है थर्टी फाइव परसेंट रिडीम्ड कितने पे हो रहा है बोले वो, वो यहाँ नीचे देखेंगे आपको क्या निकालना है कॉस्ट ऑफ डेट इफ डिबेंचर रिड नहीं लिखा इश अगर डिबेंचर इशूड एट पार का मतलब सौ रुपये में इश्यू हो रहा है और रिडीमेबल की वजह से मैं कुछ भी नहीं लिखा तो पार ही मानेंगे अगर दस परसेंट डिस्काउंट पे हो रहा है दस तीन अलग अलग सिचुएशन में क्या निकालने जा रहे हैं आप के डी स्पीड चाहिए मुझे पहले का आंसर पार। पार। तो वो टाइम पास किए कि सौ माइनस सौ डिवाइडेड बाय वो नहीं किया हाँ नहीं तो कुछ बच्चे सौ माइनस सौ डिवाइडेड बाय सात भी करके देखते हैं डिस्काउंट का कितना बताया था अच्छा है कि नहीं आ रहा नाइन पॉइंट टू थ्री आपने प्रीमियम बताया आपने डिस्काउंट पर नाइन पॉइंट टू थ्री नहीं ये तो बाकी लोग बताएंगे रिडीमेबल डिस्काउंट में नहीं हो रहा है रिडीमेबल एट है हर कुछ अच्छा यहाँ कहीं लिखा है कि टेन परसेंट डिस्काउंट पर रिडीम इश्यू है इशू गलत है नाइन पॉइंट सेवन वन परसेंट डिस्काउंट डिकाउंट ही कर रहा कैपिटल बेस्टिंग नहीं कि कैलकुलेटर में हो जाएगा इसको तो लिखना ही पड़ेगा <laughs> 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 दूसरा भी कर ही लो जब पहला किया है तो हाँ गलत भी हो सही ये वाला बना रहे हो आप लोग लिख कर बनाओगे और सर इस बार आप कॉपी चेक करो हाँ कैसे बना है मुझे बताना कोई आंसर नहीं बोलेगा नहीं आप बनाओ ना कॉपी में <laughs> अच्छा पेपर देने जाते तो पहले जो पेपर देखते हो गया देखा <laughs> पॉइंट नंबर टू पढ़ रहे हो और खुद से बना रहे हाँ कितना आया था बेटे एट पॉइंट वन से थोड़ा सा इधर उधर हो गया सही चलो भाई ये सही है आगे चल रहे हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर अभी नहीं करना थोड़ा सा रुक रहे क्वेश्चन नंबर के लिए क्वेश्चन नंबर फाइव बना चुके हैं कि हम लोग नहीं तो चलो बनाते हैं सर चालीस हजार प्रेफरेंस शेयर से ठीक है हमको नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर से मतलब नहीं सौ रुपए फेस वैल्यू है तो सौ रुपए का 12 परसेंट कितना हो गया 12 बार। प्रीमियम है पांच रुपए रिडीम होने वाला 10 साल बाद कितने प्रीमियम पर दस रुपए फ्लोटेशन कॉस्ट कितना है दो रुपए दोनों प्रीमियम में हो रहा, तो भी और भी। हो रहा है पता नहीं आप पढ़ और खास बात है कि डिविडेंड टैक्स को इग्नोर करने के लिए बोला इस क्वेश्चन में और पहले क्या करते थे आप इग्नोर ही करते आ, तो बेकार में बता रहा हूं ठीक क्या आया केडी के अच्छा केपी हाँ, हाँ केपी छोटा फॉर्मूला लगेगा कि बड़ा बड़ा वाला <laughs> हाँ बनाओ आराम से ऐसा नहीं है कि सही है गलत भी हो सकता एलेवन पॉइंट ज़्यादातर बच्चों के ही आ रहे हैं आंसर। सर चेक कर लो कितना एलेवन पॉइंट Let's be. ये लोग बोले प्रीमियम में इशू प्रीमियम तो, <laughs> तो फाइनल आंसर इलेवन पॉइंट नाइन टू लिख कर करोगे आएगा ओरल टेस्ट कहाँ होता है सी आई सी रिटर्न नहीं होता था है। ये वाला क्वेश्चन नंबर सिक्स में लिखो इसको करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर के साथ कैपिटल स्ट्रक्चर एक चैप्टर पढ़ेंगे इसके बाद उसके साथ ही एक क्वेश्चन होगा कैपिटल स्ट्रक्चर में एक भाई साहब आएगा एमएम नाम सुना पहले एमएम एम मोडी मौ, ग्लिया एंड मिलर दो लोग हैं और दो लोग कहाँ आए हैं डिविडेंड में भी पहुंच जाएंगे क्या और ज्ञान देंगे वो ज्ञान हमको समझना पड़ेगा वो क्या खैर वहां बात करेंगे ये पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स वहां क्वेश्चन नंबर सेवन आपके लिए चैलेंज वाला क्वेश्चन है और सर आप क्या करोगे सिर्फ मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा करना आपको ये क्वेश्चन तो नहीं बनने वाला पूरा विश्वास आपसे शेयर कितने हैं बीस लाख कितने का एक शेयर है चार साल पहले पैड किया था डिविडेंड लाख दस हजार डिविडेंड तो पर शेयर निकल सकता है बीस लाख शेयर है छह लाख दस हजार तो चार साल पहले डिविडेंड कितना था छह लाख दस हजार डिवाइडेड बाई बीस लाख पॉइंट थ्री जीरो चार साल पहले और अभी जस्ट पैट किया है डिविडेंड कितना नौ लाख साठ हजार पर शेयर बोलो फोर एट चार साल पहले डिविडेंड कितना था पॉइंट थ्री और ग्रोथ हो हो के चार साल में कितना हो गया पॉइंट फोर एट ग्रोथ तो है तो ग्रोथ कितना परसेंट है यही निकालना है ठीक और आपको पी जीरो दिया है तो एक बार ग्रोथ निकल जाएगा तो फिर बोले आप कई भी निकाल लेना निकाल लेंगे तो पहले क्या निकालोगे ग्रोथ ग्रोथ रेट ग्रोथ रेट का फॉर्मूला पता है पर वो लगेगा नहीं है दो टाइप का तो ग्रोथ तो था एक कंपाउंडेड तो और एक था सस्टेनेबल ये कंपाउंडेड वाला होगा पहले का दिया है अभी का दिया है तो चलो चार साल में कितना ग्रो हो रहा हाँ चार साल है पर फाइव कहाँ से है और आया तो दो बार रूट मार लो यार <laughs> यार देखो पॉइंट थ्री जीरो फाइव और वन प्लस जी आरिया जी ठीक है पावर क्या हो जाएगा फोर और यहां कितना आ गया पॉइंट फोर है जी जी अब इसमें डर्टी पावर लगेगा नहीं पावर डर्टी नहीं है आप और सर डर्टी पावर लगाएंगे तो भी बारह ही परसेंट आएगा पर लगाए क्यों दो बार रूट कर दोगे तो ये आ जाएगा जीरो पॉइंट वन टू दट ये भी मैं तो कोई रूल से नहीं बना सकता कि ऑड होगा तो ये करेंगे इवन होगा सिक्स आया तो <laughs> नहीं होने वाला <laughs> नहीं होगा हो तब पावर ही लगेगा भाई तक समझ में आता है आगे में झेलना ही नहीं चाहता रेडी पावर लगाइए <laughs> क्या क्वेश्चन खत्म हो गए यही निकालना डी वन जीरो प्लस जी जी तो निकल गया डी जीरो भी मालूम है डी वन डी वन जस्ट पैड इक्सल बात कर चाहिए ये क्या, ये क्या? ये है ये क्या है ये जो निकाले क्या है ये क्या है ये पॉइंट फोर एट क्या पॉइंट फोर एट डी जीरो जस्ट पैड लिखा है ना सर डी जीरो है एक्चुअल में point. आया पर आंसर ट्वेंटी पॉइंट नाइन सिक्स के इज इक्वल टू डी वन डी जीरो प्लस जी तो यार डी वन कितना जाएगा पॉइंट फोर एट डी जीरो है ग्रोथ कितना है वन पॉइंट वन पॉइंट वन टू डी जीरो कितना है सिक्स प्लस पॉइंट वन टू ये चार साल पहले D माइनस फोर किसी ने मुझे और भी बताया था एक दिन में करवा रहा था बोले मैं, मैं पूछा था चार साल पहले का तो कोई बोला था D माइनस फोर ये चार साल पहले का है ये है डी जीरो मजा आ गया था चले आज क्वेश्चन नंबर फोर्टीन हो गया था क्या होमवर्क था तो बना ही लिया होगा क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन सेवेंटीन बेहतरीन क्वेश्चन आओ देखे ना ना अच्छा नाइनटीन है क्या तो सेवनटीन था होमवर्क था क्या सेवनटीन हाँ ट्वेल्व पॉइंट थ्री सेवन ट्वेल्व पॉइंट थ्री सेवन दोनों एक साथ दे दिया था तो मैंने बोला था यार ये मिसप्रिंट हुआ होगा तो सेवनटीन और एटीन तो मैंने ही करवाया था आपको ओके सर ठीक तो नाइनटीन पे पहुंची सीधा नाइनटीन बना लिया क्या बना ही नहीं सकते क्वेश्चन ही वैसा है हाँ वही वो वही वही वाई टी अब हमने किस में लगाया था वाई टी एम अप्रोच के में इस बार बोले के में भी तो लगा सकते हो हम इक्विटी का <laughs> चलो देखे किताब <laughs> <laughs> किताब करते बोलो मिस्टर मेहरा हैड परचेज्ड शेयर ऑफ अल्फा लिमिटेड कितना रुपया लगाना है भाई एक हजार बोले हर साल डिविडेंड मिलेगा कितना फेस वैल्यू कितना है एक हजार ही मानो और तो ऑप्शन नहीं है इसी का ऐसा तो दिल तो एक हजार का दस परसेंट कितना होता है तो सौ सौ रुपए मिलेगा हर साल अब पांचवे साल में कितना मिलेगा पांचवे साल में बोले हम शेयर बेच देंगे कितने का ग्यारह सौ अट्ठाईस तो आपको क्या निकालना कई ये निकालना है कौन सी अप्रोच से वाई टी एम अप्रोच यहाँ नाम दिया है, Real, अप्रोच। ना करेंगे आज पैसा जा रहा है हर साल कितना सौ रुपए सौ रुपए सौ रुपए सौ रुपए लास्ट में ग्यारह सौ अट्ठाइस किस रेट से डिस्काउंटिंग करे कि उसका आंसर क्या जाए एक हजार वही किए थे हमने वही काम करते पहला रेट कौन सा लेते दस परसेंट क्या इसमें टैक्स आएगा क्यों नहीं दिया और देता भी तो नहीं आता डिविडेंड पे टैक्स लगता है क्या चलो ना अभी तो अभी तो दिया नहीं है ना अभी पहले ये क्वेश्चन बना लेते हैं मैं अभी टेंशन नहीं देना चाहता टेंशन नहीं देना चाहता पहले खत्म करते इस क्वेश्चन को हाँ यार टैक्स का तो एक्सपर्ट बच्चे बैठे अभी मैं पूछने वाला हूँ डिविडेंड अभी पहले इसको बनाते <laughs> रेट एजीआर काउंटिंग <laughs> रेट कितना ले रहे हैं पर सबसे पहले टेंथ पर अब कुछ आगे क्या अच्छा आप सीधा सीधा बता रहे हैं अच्छा फैक्टर बतार। बतार। पहला कितना डिविडेंड कितना है सौ इंटू थ्री पॉइंट सेवन नाइन वन ठीक है लास्ट में कितना मिलेगा ग्यारह सौ अट्ठाइस इंटू पॉइंट सिक्स टू वन भगवान एक हजार रुपए आ जाए नहीं आया वन जीरो सेवन नाइन अब डिस्काउंटिंग रेट कुछ और लेना पड़ेगा अब सवाल है कि ज्यादा लेना पड़ेगा कि कम लाना है एक हजार रेट बढ़ाओगे तो ये कम आए जितना रेट बढ़ता वैल्यू कम होता जो आप बोलो मुझे डिस्काउंटिंग <laughs> रेट कितना लिया तेरा मैं आपके रिस्क पे कर रहा हूं है ना हंड्रेड इंटू थ्री पॉइंट फाइव वन सेवन और प्लस ग्यारह अट्ठाईस इंटू पॉइंट फाइव फोर थ्री वैल्यू एक हजार से कम आना चाहिए। 964 अब इंटरपोलेशन करना पड़ेगा। जब था हमारा 10 परसेंट तो वैल्यू आया था 1079। जब लिया 13 परसेंट तो वैल्यू आया 964 और हमें कितना चाहिए? एक हजार तो जैसे ही हमने तीन परसेंट का चेंज किया हमें चाहिए सेवेंटी नाइन वन वन फाइव तो दस तो लगेगा लगेगा तीन डिवाइडेड बाय वन वन फाइव इंटू सेवेंटी नाइन थोड़ा ट्वेल्व के आसपास तो आएगा

गया क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन पे आइए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एबीसी कंपनी प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स पी जीरो दिया है पी जीरो दिया है ग्रोथ रेट दिया, ग्रोथ दिया और कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग मांग रहा है टू क्या इसमें तो कोई फ्लोटेशन का चक्कर है ही नहीं तो डी वन डिवाइडेड बाई पी जीरो प्लस जी थर्टीन पॉइंट बस। आर सिंपल है कि के आर कैसे निकालोगे तो के आर इज इक्वल टू फोर पॉइंट वन नाइन इंटू वन पॉइंट जीरो फाइव डिवाइडेड बाय पचास प्लस पॉइंट जीरो हो गया यहां तक क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू का आंसर फिर से के आर मांग रहा है। यार, अगर है हिम्मत तो पेज मत पलटा ना <laughs> <laughs> आगे फोर्टीन पॉइंट टू फोर्टीन पॉइंट टू फोर्टीन पॉइंट आर एफ माइनस आर एफ तो दिया, चे। 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 दिया है छे छ इंटू वन पॉइंट टू प्लस सेवन सिंपल क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री वहां लिखो डिविडेंट वो चैप्टर वो जो करने वाले हो वो एक डिविडेंड चैप्टर करेंगे ना उसके साथ कर लेंगे तो अभी तक हमारा अब सारा काम हो चुका है डब्ल्यू एस भी पढ़ लिया बुक वैल्यू से बड़ा मार्केट वैल्यू से बड़ा कैलकुलेशन तो कर लिया एटलीस्ट और हमने के भी पढ़ लिया के भी पढ़ लिया और केपी भी पढ़ लिया सारी चीजें हो चुकी अब हम क्वेश्चन बनाने वाले हैं और क्वेश्चन अभी मेरे पास नहीं है पाँच मिनट का ब्रेक ले लेते हैं तो मैं क्वेश्चन लेकर आता हूं और फिर हम बनाना स्टार्ट करें ठीक है चलो जी तो अब स्टार्ट कर रहे हैं आता है। आज की क्लास और कल की क्लास कल खत्म हो जाएगा कैपिटल क्योंकि सब बेसिक चीजें हम पढ़ चुके पहला क्वेश्चन उठाने जा रहा है अच्छा वाला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट और साइज देखकर समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते ठीक है पढ़ते हैं टाइम लगेगा क्वेश्चन बनाने में और इसमें जितना ज्यादा टाइम लग सकता लगा देना ये बेस क्वेश्चन है आपका। ये समझ में आ गया आगे हो जाएगा एक्स वाई जेड हैज बुक वैल्यू कैपिटल स्ट्रक्चर पहला आपका इक्विटी कैपिटल दिया कितने रुपए का है भाई पंद्रह करोड़ वैल्यू कितना है दस ठीक है ग्यारह परसेंट प्रेफरेंशिया कैपिटल दिया हुआ है ठीक है एक करोड़ का रिटर्न अर्निंग भी है बीस करोड़ थर्टीन पॉइंट फाइव परसेंट डिबेंचर है दस करोड़ और टर्म लोन भी है ट्वेल्व पॉइंट फाइव करोड़ ये टोटल मिलाकर आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है तो अगर मैं देखू कि स्पेसिफिक इस इसके लिए हमको कुछ निकालना पड़ेगा जिसको क्या बोलते हैं के पी एआर एडी और एक के डी ठीक है अब देगा मतलब कितना दिया तीन पैसे? पर ग्रोथ भी दे दिया सात परसेंट और मार्केट प्राइस कितना दिया चालीस कैलकुलेटर से नहीं निकाल सकते अलाउ नहीं है लिख कर करना है <laughs> अभी अभी आगे 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 भी बोले प्रेफरेंस शेयर जो है रिडीमेबल कब होने वाला दस साल बात और अभी कितने का बिक है सेवेंटी तो फाइव तो केपी निकल जाएगा छोटा फॉर्मूला की बड़ा बड़ा, बड़ा।, बड़ा। फेस वैल्यू कितना है सौ रुपए यहाँ थोड़ी दिखेगा यहाँ दिखेगा, दिखेगा।, दिखेगा। दिखे। बताए रेडीमड कितने होने वाले छह साल बाद और अभी अस्सी का और हमको क्या निकालना है डब्ल्यू एस सी सी टैक्स का रेट कितना है चालीस परसेंट यूजिंग और मार्केट वैल्यूएट और पॉइंट नंबर टू थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे नहीं वो भी क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन हाँ वही वाला आज आज डिटेल में समझाऊंगा उस का। चलो तो पहला वर्किंग नोट आएगा स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन आपका एलडीआर क्वेश्चन रहा कि लास्ट में आप ये रिवीजन करोगे तो सब कुछ रिवाइज हो जाएगा स्पेसिफिक कॉस्ट पहले क्या निकाल रहे हैं हम लोग ए सर फॉर्मूला नहीं लिखे तो चल जाएगा हां चल जाएगा पर नंबर कटेगा ईवन ई जीरो प्लस जीरो कितना है भाई डिवाइडेड बायो कितना आ गया सोलह परसेंट अब क्या निकाले एपी फॉर्मूला है पी डी प्लस आरबी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय टू Two. Two. <coughs> है 11. 11. Ready, mable, well, हाँ? तो है डिविडेंड कितना भाई बल वैल्यू ट्वेंटी फाइव हाँ मैं तो मजाक कर रहा था मैं मजाक कर रहा था तो अब इतना जोर से बोले ऐसा लगा सेवेंटी फाइव डिवाइडेड बाय दस और हंड्रेड प्लस सेवेंटी फाइव डिवाइडेड बाय टू टू हंड्रेड टीन पॉइंट फोर थ्री जी। के आर में निकाल देता हूं के, के आर सिक्सटीन पर क्या के ई और के आर अलग अलग आ सकता है रोटेशन होता तो पर यहां तो आपकी लोड के आर इस सिक्सटीन जी इंस्टीट्यूट तो लिखता भी नहीं वो सीधा क्वेश्चन बना देता पर हम लिख अब क्या बचा हमारा के डी डिवेंचर वाला के डी केडी के डी नंबर वन ना यार के डी डिवेंचर डिवेंचर है तो यार फॉर्मूला बड़ा वाला लगेगा शायद है ना आई वन माइनस प्लस बी एन पी डिवाइडेड बाई एन और वि प्लस एन पी है इंटरेस्ट कितना है पक्का हाँ सर विश्वास किया थर्टीन पॉइंट फाइव वन माइनस पॉइंट आर वी सौ माइनस Divided by एक्स और हंड्रेड प्लस अस्सीड तो कराइनटी नाइन परसेंट में कम कर चुका हूँ अब क्या बचा एडी कौन सा वाला टर्म लोन वाला नौ परसेंट अब क्या बनाए डब्ल्यू कौन से वाले बेट से <laughs> <laughs> एडी टर्म लोन का 13 पॉइंट नो कैसे निकालते तो हैं आई माइनस डी तो तो आई कितना है ना यार टाइम पास करना तो वो अलग मैटर है कि पहले एक काम करो पहले सर हम इंटरेस्ट निकालेंगे मजा आएगा तो पहले ट्वेल्व पॉइंट फाइव करूंगा पंद्रह परसेंट निकालो इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा जो तो वन माइनस टैक्स करना फिर डिवाइडेड बाय ट्वेल्व पॉइंट फाइव करना सर इतना नहीं करेंगे बस सीधा आई वन माइनस टैक्स ऐसा मैंने करवाया था कि आपको ये कब होगा हाँ तो आई वन मैने हाँ सही है अरे यार टीचर पे कैसे शक कर <laughs> यहाँ तक हो गए चलो अब करते अपन लोग डब्ल्यू एस सी बुक वैल्यू से बुक वैल्यू का मतलब समझ रहे हो ना ये जो बैलेंस शीट में दिया है इससे टेबल बना के करते बुक वैल्यू रेट रहेगा कैपिटल स्ट्रक्चर और यहाँ का बुक वैल्यू या अमाउंट लिख दीजिए एक ही बात है और यहाँ रेट स्पेसिफिक कॉस्ट आप डालना है सर वेट कॉस्ट सबसे पहले किसका बुक वैल्यू लिखना है कितना नहीं रहा फिर से बोलो इक्विटी का बुक वैल्यू <laughs> पंद्रह करोड़ नहीं पच्चीस करोड़ ये पंद्रह और ये बीस ठीक है ये आप रिटर्निंग अलग से लिखने हो हाँ लिख सकते मैंने मना नहीं किया आप अलग से भी लिख सकते अलग से लिख रहे हो ना हाँ तो फिर यार बीच में टोका क्यों चलो तो पहले अलग अलग ही कर रहे लेकिन लेकिन सुनो सुनो एग्जाम में क्या आया था बच्चों की मैंने बच गई एग्जाम में ही आया था कि जो शेयर इश्यू किया जा रहा है देखो हमको क्या निकालना हमको मान लो के ही निकालना ध्यान से समझना करवाऊंगा वो क्वेश्चन पर अभी सुन लो हमको के ही निकालना है तो के ही कैसे निकालते डी वन डिवाइडेड बाय पी जीरो मतलब शेयर कितने में इश्यू कर रहे हो और क्वेश्चन में ये लिखा था कि जो शेयर इश्यू किया जा रहा है वो बुक वैल्यू पर इश्यू किया जा रहा है बुक वैल्यू पर शेयर बताओ बुक वैल्यू पर शेयर कितना है दस नहीं है बस यही तो बात है दस तो फेस वैल्यू है बुक वैल्यू कैसे निकालोगे पंद्रह प्लस बीस टोटल कितना हो गया पैंतीस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स शेयर है तो वह है बुक वैल्यू पर शेयर कहां से आया पंद्रह करोड़ है दस का एक शेयर तो वन पॉइंट फाइव नंबर ऑफ शेयर है तो बुक वैल्यू पर शेयर अगर पूछू मैं आपसे तो इन दोनों को एड करके वन ठीक है बाकी तो वहां जब क्वेश्चन करवाऊंगा ना तब मैं आपसे डिस्कस कर अभी अच्छा खासा चल आप अलग अलग कीजिए अलग अलग कीजिए हाँ जी कोई दिक्कत अच्छा अलग अलग लू या साथ में लू आंसर एक ही आएगा क्या मैं 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 मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो अगर मैं इन दोनों को ऐड करके लिखूं अलग से रिटर्न ना लिखूं या फिर इन दोनों को अलग अलग लिखूं तो मुझे बताओ क्या सेम आएगा एक साथ सेम ही आएगा क्योंकि तो क्या दोनों केई और के आर इक्वल है तो कब दिक्कत हो सकती है जब केई और अलग-अलग होगा तो हमको क्या अलग अलग ही लिखना पड़ेगा हाँ फिर तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो क्या ही काम करते ना हमेशा ही अलग अलग हमें से ही अलग अलग लिखते टेंशन ही खत्म हाँ सर कहा इतना याद रखेंगे अलग अलग ही लिखते चलो ठीक एक बड़ी कितना था भाई खासा सर फ्लो बना था उसके बाद ए, नहीं नहीं सही है सही है बच्चे आपकी कॉपी में गंदे नहीं कर सकते उसके बाद क्या शेयर कैपिटल कितना एक करोड़ रिटर्न अर्निंग्स बीस डिवेंचर कितने का है दस टोटल कितना हो गया फिफ्टी एट पॉइंट फाइव वेट कम से कम तीन डिजिट चाहिए मुझे पॉइंट टू फाइव सिक्स जीरो वन सेवन थ्री फोर टू ठीक है सवाल बस इतना ही किया कब <laughs> क्योंकि अभी तक तो मैं बता समझा रहा अच्छा सर आप कर लिए थे हम बात बेकार बातों पे ध्यान नहीं दे रहे इसमें से कॉस्ट बोलो कितना है, कितना 16 फिफ्टीन 60 फोर इधर का मैं नहीं कर रहा हूँ टोटल मुझे फाइनल आंसर बता टू ले लेते हैं सर तो मतलब यार कभी दो लेते हो कभी तीन लेते हो अगर ये लेना वेट्स हमेशा तीन डिजिट परसेंटेज में लाना तो पॉइंट के बाद दो लिखोगे चल जाए दो तो या तीन कोई दिक्कत कौन से वैल्यू से मार्केट हमको तो, तो यहां सबका मार्केट वैल्यू लिखना पड़ेगा लिख लेंगे हम लोग दूसरा टेबल बनाते हैं तक हो गया डब्ल्यू एस मार्केट उंट वेट स्पेसिफिक वो टिव वन इसको दो अल्टरनेटिव से बताऊं क्योंकि तो मुझको कुछ समझाना है और बहुत अच्छा वाला समझाना इसलिए हल्के में मत लेना इस कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्या आएगा भाई कैपिटल बता सकते हो कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने है? कैसे निकला फिफ्टीन बाय टेन वन पॉइंट फाइव करोड़ आया पर हमको तो यहाँ मार्केट वैल्यू लिखना मार्केट वैल्यू कितना चालीस रुपये ये कितना आएगा साठ ठीक है उसके बाद शेयर कैपिटल कितने का है टोटल एक करोड़ कितने का है सौ का मार्केट प्राइस कितना है अच्छा ये बात समझ में आ रही है ना आपको डिवाइड कर उसके नंबर ऑफ शेयर्स निकाल रहा हूँ रिटेन अर्निंग रिटेन अर्निंग क्या का मार्केट वैल्यू होता होता है नहीं होता है। और उसका जो इफेक्ट आ चुका होता है ना वो इस पे आ चुका होता है बात समझ लेंगे किसी भी कंपनी के शेयर की प्राइस ज्यादा रहती है डिमांड ज्यादा रहती है उसकी वजह एक वजह क्या रिटर्न अर्निंग भी है हाँ आप किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो उठाते हो और खरीदते हो कि बहुत कुछ देखते हो कि पी अकाउंट और जिसमें रिजर्व बहुत सारा दिखता है आपको लगता ना यार पैसे देना चाहिए तो उसका रिटर्न अर्निंग का इफेक्ट ना इस मार्केट प्राइस पे आ चुका होता है इसलिए हम रिटर्न अर्निंग लिखते ही नहीं है या सीधी बात बोलूं क्या रिटर्न अर्निंग का कोई मार्केट वैल्यू होता है नहीं होता ठीक तो रिटर्न अर्निंग लिखना ही नहीं है रिटर्न अर्निंग क्या इसमें आ चुका है यस इसलिए लिखना ही नहीं ठीक है और सर हमारा दिल कर रहा है लिखने का तो अल्टरनेटिव टू ठीक दिल करेगा वो अल्टरनेटिव टू आगे करें प्रिफरेंशियल कैपिटल की बात बाद कितने का है आठ उसके बाद टर्म लोन टर्म लोन का जो है वही है जो बुक वैल्यू वही मार्केट वैल्यू पॉइंट सेवन थ्री एट जीरो जीरो नाइन जीरो वन जीरो ठीक है। स्पेसिफिक तो वही रहेगी फिफ्टीन पॉइंट सोलह फिफ्टीन पॉइंट फोर थ्री ट्वेल्व पॉइंट सेवन नाइन जहाँ मुझे फाइनल आंसर बोलो। फोर्टीन अब डब्ल्यू इससे निकाल रहा हूं मार्केट वैल्यू और यह आएगा लिखना जरूरी है ये भी। कैपिटल पहले नंबर पे क्या दिख रहा है आपको इक्विटी शेयर कैपिटल फिर कैपिटल अब कुछ बच्चे बोलते नहीं हमको रिटर्न भी दिखाना है तो ठीक है दिखा देंगे और उसके बाद डिबेंचर टर्म लोन टर्म लोन का मार्केट वैल्यू क्या रहेगा ट्वेल्व पॉइंट फाइव का निकाला है शायद आपने एट प्रोफेंशियर कैपिटल का निकाला है। अब दिक्कत ये है, 60 लिख लिए है क्या हाँ नहीं लिखना नहीं लिखना था वही तो समझाना जाना हालांकि वापस मैं सिक्सटी ही लिखवाऊंगा <laughs> <laughs> मतलब मेरे बोलने से पहले काट दिया सीधा उड़ा दिया <laughs> अब कुछ लोगों का ये कहना है नहीं सर हमको इसका भी दिखाना इसका भी दिखाना मुझे बस इतना बताओ ये सिक्सटी मार्केट वैल्यू किसका है इक्विटी प्लस रिटर्न अर्निंग दोनों का मिलाकर हाँ। जबकि आपको इसको अलग अलग दिखाना है तो फिर इसको आप अलग अलग बांटना पड़ेगा हाँ। और किस रेशियो में बांटोगे पता है बुक कैल्यू रेशियो हाँ इट मीनस बोलो कितना आया था मार्केट वैल्यू मार्केट वैल्यू कितना सिक्सटी आया था ना ये वाला सिक्सटी आया था ना इसको बांटते हैं अब देखो कैसे बांट रहा हूं सिक्सटी इंटू बुक वैल्यू रेशो पंद्रह बीस तो पंद्रह डिवाइडेड बाय थर्टी फाइव hmm. पंद्रह डिवाइडेड बाय थर्टी फाइव कैसे आ रहा पता है ना कितना hmm. है वन और ये आ जाएगा सिक्सटी इंटू ट्वेंटी डिवाइडेड बाय थर्टी फाइव थर्टी फोर पॉइंट 28 टोटल में क्या चेंज आएगा? <laughs> आ, मैं पूछ रहा हूं ना यार, डार्ट <laughs> कर बोलते हैं कितना <laughs> <laughs> आ रहा है टोटल? 81.25 81.25 स्पेसिफिक कॉस्ट बोलो पहला वाला 16 दूसरा 15.43 15. 15. <laughs> 15. <laughs> हाँ पर आप तो सही लिख रहे हो <laughs> वेट निकाल लेना अच्छा वेट तो अलग अलग आ जाएगा इसका कितना आ गया डबल जीरो नाइन फोर टू वन पॉइंट जीरो नाइन एट बिना कैलकुलेट करे इतना बता दो डब्ल्यू सी का आंसर सेम ही आएगा, सेम आएगा। कि अलग आएगा, सेम आएगा। पक्का हाँ। कर लो एक बार हमको ये अलग अलग करके करना है कि मिलाकर करना है अब भी थोड़ी देर बोले सर अलग अलग करना है हाँ दिक्कत कब होगी जब के अलग होगा के अलग होगा तो दिक्कत होगी फिर आपको अलग अलग शो करना पड़ेगा ही बात होगी ठीक है क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करेंगे ना तब बात समझ में आएगी कि कब हमको इसको अलग अलग करना है क्या रिटर्न अर्निंग का मार्केट वैल्यू होता है नहीं होता है हम ऐसा मार्केट वैल्यू नहीं होता है लेकिन जब भी के ई और के आर अलग अलग है तो भैया फिर अलग अलग ही करना पड़ेगा हमारे पास ऑप्शन नहीं ठीक है ओके okay. क्या क्वेश्चन खत्म हो गया और है क्या अच्छा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गया है क्या मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़े हो क्या होता है एडिशनल okay. एडिशनल तो यहां भी कुछ नहीं है डब्ल्यू निकालना है पर बोले जो पहले था हिस्टोरिकल उसको भूल जाओ अब हमको पैसों की जरूरत है और कितने पैसों की जरूरत है हमको जर दस करोड़ बोले पिछला वाला आप जाने तो दस करोड़ रुपया की जरूरत है अब उसका अरेंजमेंट कैसे होगा वो आपको बताएगा अब क्या बोल रहा है एक बार पढ़ के देखते हैं वैसे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ नहीं भी पढ़ाऊंगा तो चल जाएगा पर अगर यहाँ हो जाता तो इससे अच्छी बात नहीं है दस करोड़ रुपए चाहिए कैसे करोगे पैसों का अरेंजमेंट डेट और इक्विटी इक्वल प्रोपोर्शन में तो दस करोड़ में से इक्विटी कितना आएगा भाई दस करोड़ चाहिए पांच पांच इसमें सोचना क्या तो यहाँ से कितना चाहिए पाँच करोड़ और यहाँ से कितना पाँच। चाहिए पाँच करोड़ इक्विटी का मतलब शेयर इश्यू करना पड़ेगा क्या अब सुनो इक्विटी का मतलब एक्चुअल में क्या होता है मेरे पास रिजर्व रखा हुआ है ये पैसा किसका है इक्विटी का है अगर मैं कहता पांच करोड़ में से दो करोड़ मेरे पास पहले से रखा है तो नए शेयर कितने के इश्यू तीन करोड़

तो इसकी वजह से जो हमारा शेयर इश्यू होगा ना वो कितने रुपए के हिसाब से होगा? ठीक है? ये आगे? और डेट का जो पैसा रेस करोगे कितना चाहिए था आपको? पाँच पाँच। करोड़। तो बोले पहले ढाई करोड़ पे कितना लगेगा पंद्रह परसेंट और फिर बचे हुए ढाई करोड़ पे कितना सोलह परसेंट तो डब्ल्यू सी सी उसी को आप मार्जिन चलो कर ही लेते हैं जब पढ़ा है क्वेश्चन मैं प्रॉपर पहले डायग्राम से करवा दूँ तो दिक्कत ना है कितना चाहिए हमको दस करोड़ तो दो पार्ट में बांट देता हूँ पैसे कहां से हो? और कुछ पैसे कहां से फिफ्टी फिफ्टी मतलब यहाँ कितना लिखूँ पांच करो यहाँ भी कितना आएगा पांच करो नीचे दो पार्ट में बैठूंगा क्या हमारे पास रिटर्न अर्निंग है पहले से हाँ वन पॉइंट फाइव सी आर और न्यू शेयर इशू करना पड़ेगा न्यू इक्विटी थ्री पॉइंट फाइव और डेट का तो आपको मालूम है इसको मैं दो ऐसा नहीं बनाकर यहीं लिख देता हूँ कितने कितना पर फाइव करोड़ नहीं फाइव करोड़ पे नहीं यार 2.5 करोड़ पे कितना परसेंट पंद्रह परसेंट और बचा कितना ढाई करोड़ पर सोलह परसेंट तो हमको क्या क्या चीज निकालनी है पहले देख लो डब्ल्यू एस निकालेंगे सबसे पहले तो हमको क्या निकालना पड़ेगा के आर और क्या निकालना पड़ेगा के और क्या निकालना पड़ेगा के डी बस बात खत्म इग्नोर नहीं करना है इग्नोर नहीं कर सकते बस नए शेयर जो अगर अभी नए शेयर इश्यू कर रहे हैं तो कितने के हिसाब से करोगे थर्टी टू नए शेयर में काम आएगा क्या काम आएगा थर्टी टू चलो निकालते तो हैं सबसे पहले तो क्या तो निकाल हाँ नहीं अभी मैंने ऐसा नहीं बोला अभी सोचते हैं। सबसे पहले क्या करें यही निकालते सबसे पहले स्पेसिफिक कॉस्ट निकालते स्पेसिफिक कॉस्ट और सर सबसे पहले हम निकालते हैं के और के इज इक्वल टू डी वन पी जीरो प्लस जी डी वन तो दिया नहीं है तो पुराना वाला उठाना पड़ेगा चेक करो कहीं ना कहीं डी वन लिखा हो 3.60 पी जीरो नए शेयर अब कितने के हिसाब से इश्यू कर रहे हैं थर्टी टू प्लस पॉइंट जीरो आ, कोई मुझे बताएगा ये नेट प्राइस का मतलब क्या होता है नेट प्राइस रोटेशन कॉस्ट रोटेशन कॉस्ट माइनस माइनस करने के बाद कितना बचा है थर्टी वैसे शेयर का प्राइस कितना है देखो चालीस रुपया चालीस तो कुछ फ्लोटेशन कॉस्ट कट्टा होगा तब नेट कितना मिल रहा है नए शेयर इश्यू करते आया क्योंकि ये के ही था आना ही था के आ लगाएगा वाओ वाओ समझ तो यहां कितना आ गया हाँ ये ये कितना आया बच्चे 18.25 चलो के आर भी निकालते हैं सबसे ज्यादा आप ही शॉर्टकट मारते हो थ्री पॉइंट जीरो डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे फोर्टी दस पॉइंट जीरो सेवन आश्चर्य की बात कि यहां भी आंसर कितना आएगा सिक्सटीन अब क्या बचा केडी केडी में जुगाड़ लगाते पहले इंटरेस्ट का अमाउंट निकाल लेते हैं पहले ढाई करोड़ पे कितना है पंद्रह परसेंट इंटू टू पॉइंट फाइव प्लस 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 सिक्सटीन परसेंट इंटू ढाई करोड़ तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ रहा है पॉइंट सेवन सेवन यार अब निकालते डी फॉर्मूला वही है आई वन माइनस टैक्स डिवाइडेड नेट तो पॉइंट सेवन सेवन फाइव वन माइनस पॉइंट थ्री वो हो बेस में तो वही आ जाएगा पांच करोड़ पांच करोड़ ही रहेगा ढाई करोड़ ढाई करोड़ पांच करोड़ है नाइन पॉइंट तो अब हमारे पास तीन चीजें हैं रिटर्न कितने का है कितना है वन पॉइंट फाइव मैं उसके लिए ये स्पेसिफिक कॉस्ट है और ये हो गया हमारा इसके लिए क्या है ये कितने का है इक्विटी थ्री पॉइंट फाइव उसके लिए स्पेसिफिक कॉस्ट आएगा एट पॉइंट टू फाइव एटीन पॉइंट टू फाइव डेट कितने का पाँच और उसके लिए कितना आ गया नाइन पॉइंट थ्री डब्ल्यू निकाल देते वही मार्जिनल कॉस्ट टेबल बना के करना कि सीधा करना है टेवल। आओ टेबल बनाए अच्छा टाइम हो गया है क्या चलो तो जल्दी से खत्म करते से काम करते हैं एक तो भाई हमारे पास है न्यू इक्विटी इक्विटी लिख देते और दूसरा हमारे पास क्या है नहीं। और तीसरा हमारे पास क्या है ये 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 कितना 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 था था और फाइव तो टोटल कितना हो गया टेन इसका वेट पॉइंट थ्री फाइव इसका वेट पॉइंट वन फाइव और इसका वेट पॉइंट फाइव जीरो ठीक है दस से इधर डिवाइड करना है स्पेसिफिक क्वेश्चन निकाला था <laughs> भी मेरा आंसर ना ये वाला सही आता <laughs> कितना थर्टीन पॉइंट फोर ओपर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कोई होमवर्क नहीं है आज के लिए कोशिश रहेगी कि कल हम खत्म कर हो जाएगा कल ठीक अभी क्लास ओवर कर रहे हैं कल टेन थर्टी पे मिलते हैं